मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हम लोग हो गए हैं तैयार, नाश्ता हमने कर लिया है और हम जिस काम से जा रहे हैं आपको जाके बताएंगे। और मेरी बेलू बहुत खुश है। हाय बोल दो, हाय कर दो बेला, हाय हाय बोलो। अच्छा हाय कर दो, हाय। तो बस जी, जितना टाइम मुझे लगाना चाहिए उतना टाइम सैम लगाते हैं, तो सैम अभी तैयार नहीं है। मैं और बच्चे बिल्कुल तैयार हैं और बेला को आप देख सकते हैं। मैंने पहना है अपना वही वाला सूट जो मैंने आपको दिखाया था पीछे कैमरे शीशे में। सॉरी, मैं नज़र आ रही हूँ, शीशा बहुत गंदा हुआ है क्योंकि ये चारपाई होती है और बेलू खड़ी होकर उसके ऊपर हाथ लगाती रहती है। तो चलें, आपको निकलते वक्त दिखाएंगे कि मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। अनाया काफ़ी दिनों से अपने मामू की तरफ गई थी और आ चुकी है, लेकिन अभी ये फिर जा रहे हैं क्योंकि इनकी मामी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो फिर से ये आ जाएंगे। तो अनाया, आपने मिस किया था हमें? यस। तो बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तो अभी पता नहीं क्या होगा, हम लोग कैसे जाएंगे। बस दुआ ये है कि हम लोग जाएं क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है। हाय गाइस, एमो कर रही है हाय। और एमो ने बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का टॉप पहना है और साथ पहनी है जीन्स, क्योंकि एमो को आज ये पहनना था। भाई बच्ची को तो कपड़े पहनाने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। बेला, कहाँ जा रहे हो? बाहर। डैडी कहाँ है? डैडा कहाँ है आपके? और ये रही इनके डैडी, जो कैमरे में आना पसंद नहीं करते लेकिन कभी कभार हमने इनको फिर भी ले आते। ये रही एमो। तो बस अब निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। आ चुके हैं और बारिश बहुत तेज थी, तो आप देख सकते हैं हमारे कपड़ों से, हमारे बालों से आइडिया ले सकते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं। इतनी बारिश तेज़ थी और पानी तो ऐसे लग रहा था कि समंदर में गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जैसे कैसे पहुंच गए हैं। और अभी तो बाहर धूप निकल गई है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो शुक्र है खुदावंद का कि हम बिल्कुल खैरियत से पहुंच गए। और पीछे से कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, भाई की कॉल आ रही थी, अब्बू की कॉल आ रही थी कि बच्चों को ले कर निकले हो और बारिश इतनी तेज़ है। लेकिन ये है कि हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए, अभी वापसी का पता नहीं, लेकिन जो भी होगा आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। बस इतना। तो जी देख सकते हैं बेलू और एमो की मस्तियाँ। और बेला को तो भाई सुकून नहीं है, गिरती है लेकिन रुकती नहीं है। बेलू आ जाओ, बेला, लेकिन उसको नहीं आना, वो बहुत एंजॉय कर रही है। और स्पैरो और क्रॉस बहुत सारे हैं, वो दिखाओ सर, ट्री पे दिखाना। और वो इनके साथ बहुत खुश है। और जी यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मेरे बाल देख सकते हैं आप, बहुत ख़राब हो गए। घर से तो निकले थे बड़ा, लेकिन पता नहीं था कि मौसम ऐसा हो जाएगा। आप देखिए, ये पहुंच गई है मुझ तक, लेकिन इसको मुझ तक नहीं आना। गई बेला, एंजॉय कर रही हो? चेंज कर लिया और माया बना रही है मेरे लिए चाय। और माया की आप मेहंदी देखिए कितनी प्यारी लग रही है।
आज है माया की बर्थडे। तो अभी माया ने चेंज नहीं किया इसलिए उसको कैमरे में नहीं आना, तो वो बनाने जा रही है मेरे लिए चाय। तो चाय पीते हैं। चाय हमारी बन गई है और चाय बहुत टेस्टी है। और मुझे चाय से मतलब है, चाय कैसी भी हो लेकिन ये बहुत मज़े की है। और जिस जिसको इस मौसम में चाय पीनी है वो आ जाए। और जी फाइनली हम आ गए अपने घर, और घर में आके जो सुकून मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। वहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा खाना खाया, बच्चे भी बहुत खेले, लेकिन घर आके बच्चे भी फ्रेश हैं और हम भी। और ये देखिए मैंने कितनी खूबसूरत सी उन्होंने मेहंदी लगाई है। तो बस घर आए तो थोड़ी हालत ख़राब थी, लेकिन शुक्र है खुदावंद का के घर पे सब थे तो उन्होंने मैनेज कर लिया। नहीं तो जब हम आते तो बस बहुत प्रॉब्लम हो जाती। और बेलू मेरी खींच रही है बाल और खेल रही है अपने डॉगी के साथ। बेलू हाय कर दो। तो अब करते हैं अपना मोस्ट फेवरेट काम, बनाते हैं चाय और दूध गर्म करते हैं बेलू का। जी करते हैं अपनी वीडियो का एंड। और मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो चाय और केक पीस है, नहीं सॉरी केक रस है। तो मैं और सैम अभी करेंगे एंजॉय। और मुझे मेरा हाथ बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम से मेहंदी लगाने का दिल था, तो खैर आज लगवा ली है। खैर हम जिस काम के लिए गए थे वो तो नहीं हुआ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ थी। तो बस वहाँ तक पहुँच गए थे तो उसके आगे नहीं जाया गया। तो खैर जो काम आज नहीं होते वो कल हो जाते हैं, तो कल हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। और बहुत इन्जॉय किया, थैंक यू दी, क्योंकि जितना टाइम उनके घर बैठो उसने कुछ ना कुछ बनाते रहना, ये खा लो, बच्चों को खिला दो, सैम को खिला दो, खुद खा लो। तो बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत इन्जॉय किया। तो चले जी आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कमेंट पढ़ के कि मेरी वीडियोस लोग देखते हैं और उनको अच्छी लगती है, तो ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ डिफरेंट करूँ, तो आगे चल के ज़रूर करूँगी। क्योंकि अभी से हम थोड़ा फिर से बिज़ी हैं क्योंकि फिर से आ चुकी है ईद, और इस ईद पे पता नहीं मैं मेहंदी लगाने जाती हूँ कि नहीं, क्योंकि एक आ चुकी है शादी। आपको बताया था जब शादी पे जाएंगे तो भी आपको दिखाएंगे। तो अगर तो वहाँ जाने का हुआ तो फिर मेहंदी लगाने नहीं जाऊँगी क्योंकि चांद रात वाले दिन ही है शादी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह।